फाइनटेक गाइड के आज के इस वीडियो में आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आपको कितने तरह के फ्री इंश्योरेंस प्राप्त हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आप या आपके घर वाले इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इनबिल्ट बहुत सारे चीज़ों का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें इनबिल्ट इंश्योरेंस कवरेज हमें फ्री मिलता है, लेकिन चूँकि फ्री मिल रहा है इस कारण हम इसकी जानकारी नहीं लेते और इसका लाभ नहीं उठाते। तो आइए देखते हैं कि किन किन चीज़ों में हमें फ्री इंश्योरेंस मिल रहा है। घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग सभी कोई करते हैं, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि जिस दिन आपके घर में एलपीजी का कनेक्शन आता है, सिलेंडर आपके घर आ जाता है, उसी दिन से 50 लाख तक का इंश्योरेंस उस पर चालू हो जाता है। अर्थात घर में किसी तरह की भी कोई दुर्घटना होने पर, चाहे वो किसी के साथ भी हो, कोई यह ज़रूरी नहीं है कि जो भोजन बना रहा है उसी के साथ दुर्घटना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ घर में यदि वो उसका प्रयोग कर रहा है और दुर्घटना होता है तो 50 लाख तक का कवरेज उसके साथ इनबिल्ट होता है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जिस एड्रेस पर आपने एलपीजी कनेक्शन लिया है उसी जगह पर वो एलपीजी कनेक्शन या दुर्घटनाग्रस्त वो होना चाहिए। किसी तरह की दुर्भाग्यवश दुर्घटना होने पर सबसे पहले आपको लोकल थाना में रिपोर्ट करना होगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके डिस्ट्रीब्यूटर को इसकी जानकारी देनी होगी, उसके बाद आप क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं। इस क्लेम प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से, अर्थात जहां से आपने कनेक्शन लिया है, उसका पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं कि दूसरी कौन सी चीज़ है जिस पर हमें फ्री इंश्योरेंस मिल रहा है। आज प्रत्येक व्यक्ति डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करता है, यह रुपे कार्ड होता है, वीज़ा कार्ड होता है या मास्टर कार्ड होता है या और भी दूसरे तरह के कार्ड हो सकते हैं, तो इस पर भी हमें फ्री इंश्योरेंस एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है। अर्थात एक्सीडेंट में दुर्घटना होने पर, एक्सीडेंट के द्वारा या किसी अन्य दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 2 लाख से लेकर 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज उसमें फ्री रहता है, इनबिल्ट रहता है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि महीने में कम से कम एक बार उस कार्ड का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। किसी भी माध्यम से उसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हो या किसी और जगह पे आप उसका यूज़ कर रहे हो या एटीएम मशीन में उसका यूज़ किया गया हो, तो इस तरह से महीने में एक बार यदि आप उसका उपयोग करते हैं तो उस पर इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलता है। रुपे कार्ड में कम इंश्योरेंस कवरेज रहता है, उससे अधिक वीज़ा कार्ड पर, उससे अधिक मास्टर कार्ड पर यह इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। अर्थात एक्सीडेंटल दुर्घटना पर मुफ्त बीमा की सुविधा इन पर उपलब्ध होती है। तो आपको और आपके घर वालों को इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि इन पर हमें मुफ्त इंश्योरेंस मिला है। आज हर व्यक्ति के पास वाहन है, किसी के पास 2-व्हीलर है, बाइक है, किसी के पास 4-व्हीलर है या कार है, किसी के पास ट्रक है, किसी के पास बस है, कोई बड़ी गाड़ियों का मालिक है, तो हर व्यक्ति के पास आज वाहन है और उस वाहन के साथ इंश्योरेंस जुड़ा होता है। बिना इंश्योरेंस का, बिना बीमा का वो अपनी गाड़ी को रोड पर उतार नहीं सकता। अब यदि वह रोड में चल रहा है, यदि उसके साथ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है जिसको हम लोग ओन डैमेज भी कहते हैं, अगर वो इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसके खुद के नुकसान की भी भरपाई इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रीमियम ज़्यादा लगता है। लेकिन यहाँ चूंकि बात हो रही है फ्री इंश्योरेंस की, तो हम उसकी पेड इंश्योरेंस की बात नहीं करते, फ्री इंश्योरेंस की बात करते हैं। कोई गरीब व्यक्ति जो साइकिल से चल रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो रोड पर पैदल चला जा रहा है, किसी गाड़ी से यदि उसकी टक्कर हो जाती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी इंश्योरेंस कवर मिलता है। यह राशि अलग अलग सामाजिक लोगों के लिए, अलग अलग सामाजिक बैकग्राउंड के लोगों के लिए अलग अलग राशि हो सकती है, उसके लिए यह तय की जाती है, उसके लिए अलग मापदंड होता है जिसके अनुसार उसको बीमा की राशि दी जाती है। तो यह राशि अधिक भी हो सकती है, अधिक अच्छे बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए या किसी गरीब बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए यह राशि कम भी हो सकती है, लेकिन हर किसी के लिए यह फ्री इंश्योरेंस उपलब्ध होता है क्योंकि हर वाहन के साथ इंश्योरेंस जुड़ा होता है। और जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस वाहन का मालिक या उस वाहन ने जिस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया है उसके थ्रू उस व्यक्ति को इंश्योरेंस की राशि, अर्थात बीमा की राशि दिलाई जाती है। अर्थात रोड पर चलने वाले हर व्यक्ति के साथ
इंश्योरेंस जुड़ा होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु अगर किसी गाड़ी के टक्कर से होती है तो उस व्यक्ति को मुफ्त में फ्री इंश्योरेंस या बीमा की राशि उसके घर वालों को सहायता के लिए दी जाती है। यदि वह घायल होता है तो भी बीमा कंपनी की तरफ से, अर्थात उस वाहन के जो बीमा कंपनी है उसके तरफ से इलाज के लिए खर्च दी जाती है। तो यह याद रखें कि हर व्यक्ति जो रोड पर चल रहा होता है उसके साथ भी यह फ्री इंश्योरेंस जुड़ा होता है। जब हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो IRCTC के माध्यम से जब हम ट्रेन बुकिंग करते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, तो उस बुकिंग के साथ ही हमें एक इंश्योरेंस प्राप्त होता है, जर्नी जिसको हम लोग ट्रेवल इंश्योरेंस कहते हैं। यदि कीमती सामान हमारा खो जाता है, यदि दुर्घटनावश मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी को, या वह घायल होता है तो उसको बीमा कंपनियों के तरफ से बीमा की राशि उसके इलाज के लिए, या मृत्यु होने पर सहायता के लिए उसके घर वालों को बीमा कंपनियों के तरफ से राशि प्रदान की जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि फ्री इंश्योरेंस की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल चार्ज लगता है, 30 से 40 पैसे तक देकर यह इंश्योरेंस मिलता है, तो इसको हम फ्री के कैटेगरी में ही रख सकते हैं। तो IRCTC के माध्यम से ट्रेन बुकिंग के समय हमें यह इंश्योरेंस प्राप्त होता है, कीमती सामान खोने पर हमें बीमा की राशि प्राप्त होती है, मृत्यु होने पर परिवार वालों को बीमा की राशि प्राप्त होती है, घायल होने पर इलाज के लिए भी बीमा की राशि बीमा की कंपनियों की तरफ से हमें प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत और बहुत सारे योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं। विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ से भी बहुत तरह की फ्री इंश्योरेंस की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें मृत्यु पर भी और हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में बीमार होने पर या इलाज के लिए खर्च के लिए भी राशियां प्रदान की जाती हैं। तो ये अलग अलग फ्री जो इंश्योरेंस प्राप्त होती हैं, इसकी जानकारी आपको अपने राज्य के अनुसार आपको प्राप्त करनी चाहिए कि हमारे आप जिस राज्य में भी रहते हों वहाँ पर किस तरह के स्कीम ये फ्री इंश्योरेंस सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के साधन जो हम घर में प्रयोग करते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो और दूसरे अप्लायंसेस हों, उनके साथ भी इनबिल्ट इंश्योरेंस कवर होता है। इसके अतिरिक्त जो हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसके साथ भी इंश्योरेंस कवर होता है, लेकिन ये नॉमिनल होता है और इसका क्लेम प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है जिसकी जानकारी सभी को नहीं होती, लेकिन हाँ इन सब के साथ भी इंश्योरेंस जुड़ा होता है। इसके अतिरिक्त हम जो FD करते हैं बैंकों में उसके साथ भी इंश्योरेंस जुड़ा होता है, वो फ्री इंश्योरेंस होता है, लेकिन वो इंश्योरेंस आपके FD में किसी तरह की कोई नुकसान होने पर ही आपको वो इंश्योरेंस की राशि प्रदान की जाती है। आप लोगों को इन सब की जानकारी देने का फाइनटेक गाइड की टीम का मकसद आपको भयभीत करना नहीं है, बल्कि आपको जानकारी देना है कि इस तरह के फ्री इंश्योरेंस आपके साथ इनबिल्ट होता है और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आप ये जानकारी अपने घर वालों को भी देकर रखें, जिससे भविष्य में ईश्वर न करे अगर आपके साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो आपके घर वालों को जानकारी होनी चाहिए, या आपके घर वालों के साथ अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिससे परिवार बिखरने से पहले ही संभल जाए। अर्थात जब किसी कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है, जब घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता तो लोगों को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो बताने का मकसद यही है कि यदि कोई परिवार का व्यक्ति, कमाने वाला व्यक्ति, जो इनकम करने वाला व्यक्ति है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है, अपने आप को संभालना है और इस तरह के फ्री इंश्योरेंस के बारे में पता करना है। यदि इंश्योरेंस आपके पास कोई पेड इंश्योरेंस है तो आप उसका क्लेम तो ज़रूर लेंगे, लेकिन ये फ्री इंश्योरेंस जो आपके साथ इनबिल्ड होता है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप इसके क्लेम प्रोसेस कर सकें और इससे लाभ उठा सकें, जिससे परिवार के लोगों को कम कष्टों का सामना करना पड़े। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी लोगों को सभी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो जाए और सभी लोग सावधान रहें और अधिक से अधिक इन फ्री इंश्योरेंस का लाभ उठा सकें। थैंक यू।